फर्स्ट टाइम पे ट्रेवल कर रहा हूँ बस से, जो लखनऊ में जो बस चलती है सिर्फ लखनऊ के लिए चलती है, बाहर नहीं जाती है, तो उसे मैं फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहा हूँ। नहीं तो मैं ऑटो से जाता था, तो मैं इसका भी एक बार लेता हूँ एक्सपीरियंस कि कैसा है। बस से भी सफ़र कर सकते हैं क्योंकि किराया भी पैसा भी कम लगता है और ऑटो से थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, तो जिससे ट्रेवल करना अच्छा रहेगा मैं उसी से प्रीफर करूँगा। मैं जहाँ जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ जनेश्वर मिश्र पार्क। इसका वीडियो मैं बहुत सारा बना चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन पे मैं लिंक दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। मेरे जो पास बैठे हैं ये एक पोइट्री राइटर है, ये पोइट्री लिखते हैं। तो क्या नाम है आपका? रमेश नवांकुर। इनका नाम है रमेश नवांकुर और ये साइट पर भी काम करते हैं, ब्लॉग भी लिखते हैं और इनकी पोल्ट्री अभी इनसे सुनेंगे। कहाँ से है? ये मैं लखीमपुर, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर, ग्राम दुलई से। कौन सा सुनाएंगे आप? यहाँ के लोग सुंदर हैं, मैं इसका गान करता हूँ, यहाँ के लोगों का मैं तो दिली सम्मान करता हूँ, यहाँ के लोगों का मैं तो दिली सम्मान करता हूँ। न कोई भेद रखते हैं धर्म जाति और मजहब में, यहाँ गीता कुरान बाइबल हमेशा साथ पढ़ता हूँ, यहाँ गीता कुरान बाइबल हमेशा साथ पढ़ता हूँ। यहाँ की शाम सुंदर है, आपका लखनऊ इतना सुंदर है मेरे दिल को भा जाता है। यहाँ की शाम सुंदर है, यहाँ के धाम सुंदर हैं, यहाँ राधा रही में राम, यहाँ पे नाम सुंदर है, यहाँ राधा रही में राम, यहाँ पे नाम सुंदर है। मैं उस पंक्ति को रखना चाहूँगा जहाँ से मैं आया हूँ और जहाँ से मैं लेकर आया हूँ। पंख की लेखनी से वो, मैं उस महान पुरुष या महान महर्षि की बात कर रहा हूँ, तुलसीदास की। पंख की लेखनी से वो अजब एक काम कर डाला, पुरुषोत्तम राम की गाथा को अपने नाम कर डाला, पुरुषोत्तम राम की गाथा को अपने नाम कर डाला। बना है गाँव मेरा है, इसी से पहचान है इसकी, यहीं पर राम बोला ने है सुंदर कांड लिख डाला, यहीं पर राम बोला ने है सुंदर कांड रच डाला। बहुत सी प्रतिक्रियाएँ हुआ करती हैं हमारे देश में, मैं चाहूँगा देश पर भी एक दो पंक्तियाँ बोल दूँ। हाँ, फरेबियों अल्फाज सुन लो, फरेबियों अल्फाज सुन लो, फलक जमीन एक कर दूंगा मैं, वाह, कर नापाक कदम बढ़ाए रूह छोड़ने को मजबूर कर दूंगा। वाह, कौन सा डे है भाई बताना? ब्लैक डे। ब्लैक डे। शहीद हो गए थे बहुत सारे लोग, पुलवामा अटैक हुआ था क्या? हाँ भैया इतना नहीं पता हमको। आज और एक डे है ना? कौन सा? वो कौन सा है? वैलेंटाइन डे। अरे वाह, वैलेंटाइन डे याद है और ब्लैक डे याद है। सही यार, तुम्हारी जानकारी है। मैं कहाँ जा रहा हूँ? जनेश्वर मिश्र पार्क। कहाँ से रहे हैं आप? कुछ मन में हो तो बताइए ना। हमारी दुकान है। दुकान है वहाँ पे? कहाँ पे दुकान? सामने। क्या बेचते हो आप? सिर्फ पानी पकवान। तो किस दिन ज़्यादा भीड़ लगती है? संडे को ज़्यादा ही होती है। संडे को? हर संडे को ज़्यादा भीड़ लगती है। संडे को और जैसे कोई फेस्टिवल। हाँ, फेस्टिवल के दिन। हाँ चलिए। अरे बोल दो कुछ, शहीदों के नाम पे कुछ बोल दो। तो है गाइज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो गाइज आज जैसे जानते हो आज है 14 फरवरी, और 14 फरवरी के दिन पिछले साल जो है पुलवामा अटैक हुआ था। तो मैं उन सभी शहीदों को नमन करता हूँ, उनके फैमिली वालों को मेरा बहुत सारा प्यार। पुलवामा अटैक में जो लोग शहीद हुए थे उनको मेरा सलूट। और आज एक और भी दिन है लवर के लिए, जितने लवर हैं उनके लिए फेवरेट दिन होता है आज। तो आज है 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे। मेरे तरफ से वैलेंटाइन डे की ढेर सारी शुभकामनाएं सबको, और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं आ गया हूँ। स्केटिंग भी कुछ लोग कर रहे हैं। व्हाट्स नेम? हुकुम। नेम प्लीज? हुकुम। हाँ, सीधे का स्टैंड कर रहे हैं। डेली आते हो क्या यहाँ पे? नहीं, संडे को। संडे को आते हो? कितना दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो ये? बचपन से चला रहे हो, तभी तो इतना ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया हो। भाई इतना स्पीड में आ रहे हो, ब्रेक कैसे लगाते हो इसमें? अच्छा ऐसे कर लेते हो, ऐसे ब्रेक लग जाता है? यार कब से कर रहे हो तुम? 1 साल से। क्या नाम है? शक्ति कपूर। दुबे। शक्ति दुबे। घास पे चल सकते हैं, जीनों पे चल सकते हैं। अरे वाह, वीडियो तो इधर से आओगे तब ना अच्छा बनेगा यार, उधर से तो धूप आ रही है। ये देख लो, मेरे को सिखा रहे हैं यार किधर से बनाना है। क्या नाम भाई? हुसामत अली। हुसामत अली। हमारा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ शुक्ला? नहीं, सिद्धार्थ। हम कहेंगे भाई बिग बॉस वाला। कुमार। ये कुमार है, ये हम दुबे। तो भाई पार्क तो इतना बड़ा है कि घूमते घूमते इंसान थक जाएगा। पीछे आप देखो, मैं इधर से आ रहा हूँ और झंडा मेरा दिख भी नहीं रहा होगा, झंडा ही नहीं दिख रहा होगा। मैं अकेले ही हूँ और अकेले ही ज़्यादा मैं ब्लॉग करता हूँ। और ये मेरा डेली ब्लॉग है। फुटबॉल खेले हैं, क्रिकेट वालों को ढूंढ रहा हूँ। क्रिकेट जहाँ पे खेले हैं वहीं पे मैं जा रहा हूँ। ये जो एक मैप बना हुआ है, ये आप यहाँ पे हैं, मतलब वी आर हियर। वो खेल का मैदान इस साइड में है और मैं यहाँ हूँ और मेरे को अभी जाना है यहाँ तक, फिर यहाँ से इधर जाना है। तो ये रास्ता पकड़ के मैं फ्लैग के पास तक पहुंच जाऊंगा। और बहुत सारे लोग उधर से आ भी रहे हैं और मैं उधर ही जा रहा हूं। मैं तो ढूंढ रहा हूं क्रिकेट वालों को, कहां पे हैं, दिख ही नहीं रहे हैं। ये क्या चल रहा है भाई? गेम चल रहा है क्या? यस ब्रो, गेम चल रहा है। ओहो, मैं रॉन्ग साइड जा रहा था, लेकिन क्रिकेट खेलने के लिए मुझे जाना है इस साइड में, इस साइड में जाना है। और मैं जा रहा था फ्लैग के साइड में, फ्लैग के साइड में नहीं है। एक साइकिल पर 3 लोग, चलान कटेगा। रुको, हेलमेट कहाँ? हेलमेट है, 3 लोग बैठा के चलोगे एक्सीडेंट हो सकता है ना तुम लोगों का। इधर भी खेल रहे हैं, सब क्रिकेट खेल रहे हैं। उधर दिख रहा होगा तो वो फैमिली वाले क्रिकेट है और टेनिस वाले शायद इधर हैं इस साइड में। देखो मेरे को खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं। जो लड़के मेरे को कहे थे खेलने को, वो तो सब आए ही नहीं है। 6 मारेंगे तो जीत पाएंगे। कैप्टन कौन है? कैप्टन आप लोग हो क्या? क्या नाम है? नदीम। मेरे को भी खिलाओगे? भैया आप आने टाइम खत्म हो गई। टाइम नेक्स्ट संडे को मिलिएगा। इस बार से आप लोग खेलते हो? कौन जीता भाई इसमें? अरशद जीत गया। अरे वाह, कितनी बारी जीते हो भाई? हम लोग 3 टाइम्स। 3 टाइम जीता? आप 3 टाइम लॉस हुए? वाह भाई, आप हारने के लिए खेलते हैं क्या? लेकिन हार जाते हैं। यहीं पे आके खेलते हो आप लोग? आपकी टीम है क्या? मैं अकेले खुद टीम के बराबर हूँ। नहीं यार, मैं तो ऐसे आ गया था, मैं सोचा कि खिलाओगे आप लोग, तो देर कर दी। बॉलिंग अच्छी यार। कहाँ गई बॉल? बॉल बॉल। क्रिकेट खेलने आया था यार, कहीं पे क्रिकेट हो ही नहीं रहा है। अभी तो सारे लोग चले गए। मैं वही तो सोच रहा था कि ये कहाँ के बंदे हैं। इससे हमारे डांसर भाई, कोरियोग्राफर जिससे मिला था एक बारी, तो इनसे फिर से मुलाकात हो गई। और इनके जितने टीम हैं वो टीम अभी नहीं है और ये प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे जनेश्वर मिश्र पार्क में। इसे प्रैक्टिस करते रहते हैं। कहाँ पे अभी कर चुके हैं? अभी लखनऊ में जैसे छोटे छोटे एरियाज होते हैं, अपने चौराहे होते हैं, तो जहाँ मूड बना वहाँ प्रैक्टिस चालू हो जाती है। कुछ लोग आते हैं कर्मचारियों में जो बोलते हैं यहाँ मत करो वहाँ मत करो डांस, बट सबको नज़रअंदाज करते हुए हम सब करते हैं कि हमारा फोकस डांस पर है। ओके, इस कल्चर को आगे तक लेकर जाना है। जो हिप हॉप कल्चर को मैं लखनऊ में शुरू किया हूँ, उस कल्चर को आगे बढ़ाना है, दूर तक लेकर जाना है। बहुत अच्छी सोच है आपकी, चलिए ऐसे करते रहिए। एक दिन ऐसा होगा कि सारे लोग आपको जानेंगे, लखनऊ का पूरा, यूपी का पूरा, इंडिया जानेंगे। बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारे जो है कि इक्विपमेंट सारे लगे हुए हैं। कितने सारे बच्चे हैं यहाँ पे। चढ़ो बेटा, ऊपर चढ़ो। क्या नाम है आपका? कुछ नहीं है वो सही है। सबसे ज्यादा शोर यही कर रहे हैं लड़के, इनको ज्यादा इंजॉय आ रहा है। अरे वो गिरे ना। खेलने के लिए भी है और साथ साथ में एक्सरसाइज भी हो जाती होगी। हाँ चलो चलो, शाबाश शाबाश, गुड। देखो भैया को, देखो भैया, ये बड़ा भैया, ये देखो। अब तो भाई इसको पकड़ना है, छोटा वाला भैया था ना। राहुल इतना धीरे क्यों बोल रहे? डेली चढ़ते हो क्या इस पे? नो, सिर्फ संडे को ही आते हो यहाँ? हाँ। अभी मैं बैठा हूँ इस वैन में और खाली है, पूरा है, सफ़र नहीं कर रहा हूँ, बस बैठ गया हूँ कि वीडियो एंड करने के लिए। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर। तो चलता हूँ अभी घर और फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।